हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4 सम नंबर 5 टेंथ क्लास मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट ध्यान देना, हमारे पास है सम नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्केयर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक आइडेंटिटी दी गई है, इसे आप लोगों ने प्रूव करना है। ओके तो इसको प्रूव करने के लिए हमने करना क्या है, एक्चुअली हमें ये फार्मूले लर्न होने चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी यहां पर राइट कर दिए हैं। ओके और इन फार्मूलों की डिटेल मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में समझाई थी आपको, डबल टाइम ये फार्मूले हो चुके हैं। अगर किसी ने नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप फार्मूलों को समझ सकते हैं, और शॉर्ट में मैंने बोर्ड पर राइट कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, पी बी पी एच एच बी। पी किसके लिए है, परपेंडिकुलर के लिए है, बी बेस के लिए है, और एच हाइपोटेनियस के लिए है। इसे याद रखने के लिए मैंने बताया था आपको, आपने श्लोक याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम। ओके तो यहाँ पर हमारे पास एस किसके लिए है, एस हमारे पास ये है साइन थीटा के लिए, ये हमारे पास कोस थीटा है, ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास टेन थीटा है, ये कोसिकेंट थीटा है राइट, ये हमारे पास सीकेंट थीटा है, और ये हमारे पास कोट थीटा है। ओके तो जब हम साइन को कोसिकेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन आता है। वन क्यों आता है, क्योंकि साइन किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल होता है पी बाय एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस। जब यहाँ पर पी बाय एच की मल्टीप्लाई हम कोसिकेंट से करेंगे, कोसिकेंट मतलब एच बाय पी से करेंगे, तो पी से पी और एच से एच कैंसिल हो जाएगा, जिसके बाद हमारे पास वन बचेगा राइट। तो सेम हमारे पास कोस और सीकेंट की मल्टीप्लाई वन के इक्वल होती है, और टेन और कोट की मल्टीप्लाई भी वन के इक्वल होती है राइट स्टूडेंट्स। तो ध्यान देना एक बार दोबारा, थोड़ा हल्का सा मैं बता दूं आपको, जिस तरह साइन है, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस राइट। तो यहां पर राइट कर लो पी बाय एच। ओके कोसिकेंट कोसिकेंट होता है इसका रेसिप्रोकल एच बाय पी होता है ये, तो यहाँ राइट कर दो एच बाई पी, पी से पी कैंसिल करेंगे, एच से एच कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास वन आ जाएगा, ये वन। ओके तो सेम कोस और सीकेंट की मल्टीप्लाई भी वन के इक्वल होती है, क्यों, क्योंकि सीकेंट क्या है बी बाई एच, और सॉरी कोस क्या है बी बाई एच, और सीकेंट है एच बाई बी, मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएंगे। सेम यहाँ पर टेन और कोट की मल्टीप्लाई वन के इक्वल आएगी, यहाँ पर साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर इक्वल टू वन आएगा, कैसे आएगा ठीक है, इसमें भी वही लॉजिक है, साइन हमारे पास किसके इक्वल है, साइन हमारे पास पी बाई एच के इक्वल है, तो साइन स्केयर क्या हुआ पी बाई एच का स्केयर हुआ ठीक है, तो साइन स्केयर इक्वल टू पी स्केयर बाय एच स्केयर ठीक है। साइन अगर पी बाय एच के इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस के इक्वल है, तो इसका स्केयर क्या हुआ, परपेंडिकुलर स्केयर बाय हाइपोटेनिस का स्केयर इसके इक्वल होगा। ओके प्लस में है कोस स्केयर, कोस कहाँ पर है, ये रहा कोस, ये बी बाय एच के इक्वल है, तो कोस का स्केयर बी स्केयर बाय एच स्केयर के इक्वल होगा, बी स्केयर बाय एच स्केयर राइट इक्वल टू वन। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एच स्केयर आएगा एलसीएम, तो एच स्केयर से एच स्केयर कैंसिल कर दो, यहाँ पर बच जाएगा पी स्केयर, प्लस में क्या है एच स्केयर से एच स्केयर कैंसिल हुआ, बी स्केयर इक्वल टू हाँ जी परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस का स्केयर ठीक है। आपको मालूम होगा कि परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस में बेस का स्केयर इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्केयर होता है, ये हमारे पास कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम राइट। तो यहाँ पर बी स्केयर प्लस पी स्केयर इक्वल टू एच स्केयर आ जाएगा, एच स्केयर से एच स्केयर कैंसिल होकर वन बच जाएगा, मतलब क्या हुआ साइन का स्केयर प्लस कोस का स्केयर इक्वल टू वन होता है। इसे प्रूव कैसे करेंगे, इसे प्रूव करेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ठीक है। सेम अगर सीकेंट स्केयर माइनस टेन स्केयर इक्वल टू वन प्रूव करना है तो सेम प्रोसेस रहेगा, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम से आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट स्केयर माइनस कोट स्केयर इक्वल टू वन ठीक है, इसको भी आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर प्रूव किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास कुछ एक फार्मूले जो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में 8.4 के 5 में अप्लाई करेंगे राइट स्टूडेंट्स। तो ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले आपका वर्क क्या है, आपने लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से एक साइड चूज करनी है, और
उसको सेकंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, राइट। तो मोस्टली क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड फाइंड करना इजी रहता है, ओके। तो इसकी आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे स्टार्टिंग में। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्केयर है, हाँ जी। तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा है, आपका रूल क्या है, 90% से ऊपर वाले सम, ठीक है, सॉल्व होते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे साइन कोस में चेंज करेंगे। मतलब क्या है, जो भी ये टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, इस टाइप के सम होंगे, उसमें 90% से ऊपर सम्स में हम क्या करेंगे, जो भी हमने साइड ली है उसे साइन कोस में चेंज करेंगे, उसके बाद हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, चाहे वो प्लस का है चाहे माइनस का है, ओके। तो यहाँ पर कोसिकेंट है, यहाँ पर कोट है, तो आपने कोसिकेंट को चेंज करना है साइन या कोस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट फार्मूला साइन इंटू कोसिकेंट इक्वल टू वन होता है, तो इसमें कोसिकेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये रहा हमारे पास कोसिकेंट, कोसिकेंट इक्वल बनेगा वन तो है, साइन की मल्टीप्लाई है, ये उस साइड पे हो जाएगा बाय में, डिवाइड में, तो कोसिकेंट इक्वल टू बनेगा वन बाय साइन थीटा माइनस माइनस कोट, कोट को आपने चेंज करना है साइन कोस में, तो ये आप ध्यान रखेंगे, हमारे पास जो टैन होता है वो होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा के इक्वल, और कोट होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। इसे प्रूव करना है तो वही टैन साइन और कोस की यहाँ पर वैल्यू फिल कर दो यहाँ से उठाकर, ठीक है, दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी, ओके स्टूडेंट्स। तो कोसिकेंट इक्वल टू वन बाय साइन, कैसे, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली है कोसिकेंट की, ठीक है, फर्स्ट फार्मूले से। कोट इक्वल टू क्या होता है, कोट होता है कोस बाय साइन, तो यहाँ फिल कर दो कोस बाय साइन। फर्स्ट रूल क्या है, आपने जो भी आपके पास स्टेटमेंट है उसे चेंज करना है साइन एंड कोस में, ओके। इसके बाद ऑपरेशन अप्लाई करना है, जो भी दे रखा है, यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, साइन और साइन एलसीएम हमारे पास बनेगा साइन, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया वन, माइनस साइन से साइन कैंसिल कर दो, यहाँ पर क्या बच गया, कोस बच गया, कोस लगा दो, हाँ जी। तो अब आपके पास क्या है, वन माइनस कोस का होल स्केयर है, वैसे का वैसे ही राइट कर दो, वन माइनस कोस थीटा का होल स्केयर, बाय में साइन है, साइन का स्केयर है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्केयर थीटा, तो यहाँ बनेगा वन माइनस कोस थीटा का होल स्केयर, सेम वैसे का वैसे ही, हाँ जी। साइन स्केयर क्या होता है, देखो यहाँ से मिलेगी साइन स्केयर की वैल्यू, ये रहा साइन स्केयर, ओके। तो साइन स्केयर इक्वल टू बनेगा वन तो है, प्लस का कोस स्केयर उस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो साइन स्केयर थीटा बनेगा वन माइनस कोस स्केयर थीटा, यहाँ पर राइट कर दो वन माइनस कोस स्केयर थीटा, हाँ जी। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्केयर है, मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस कोस को हम डबल बार राइट करेंगे, दो बार राइट करेंगे, तो यहाँ राइट कर दो 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस थीटा, यस, ओके। तो अब ये 1 माइनस कोस स्केयर का आप क्या बनाएंगे, ध्यान दो 1 का स्केयर कर सकते हैं, ठीक है, तो 1 का स्केयर माइनस कोस का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला अप्लाई करेंगे आप लोग, हाँ जी। क्या होता है ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ए क्या है, 1 को हम कंसीडर करेंगे, मानेंगे ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, 1, और बी हमारे पास कोस है, ठीक है। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब क्या हुआ, 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस। नाउ यू कैन सी कि 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस आप कैंसिल कर सकते हैं, ये आपने कर दिया कैंसिल, तो इसके बाद हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, दैट इज राइट हैंड साइड, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी थी, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है क्वेश्चन नंबर 5th की, फर्स्ट, ठीक है। तो क्या करना है, एक बार दोबारा देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्केयर है, इक्वल प्रूव करना है 1 माइनस कोस बाय 1 प्लस कोस, राइट।
तो सबसे पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। यहाँ वैसे राइट हैंड साइड लेते हैं तो भी इजी हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ली कोसिकेंट थीटा माइनस कोर थीटा का होल स्केयर। इसके बाद का रूल क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि जो भी स्टेटमेंट है वो साइन कोस में चेंज हो जाए, ओके। तो यहाँ हमने कोसिकेंट को चेंज किया है साइन में, कैसे किया है ये देखो स्टार्टिंग में इधर, ठीक है। साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इक्वल टू वन है, तो यहाँ से हमने कोसिकेंट की वैल्यू निकाली, दैट इज वन बाय साइन की मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा, कोसिकेंट की वैल्यू वन बाय साइन थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो ये वन बाय साइन थीटा माइनस सेम कोट की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू साइन बाय कोस होती है। वैसे यहाँ पर देखो यहाँ से टेन निकालते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से टेन निकालते हैं तो वन बाय कोट बनेगा, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला है कि आपने साइन कोस में चेंज करना है, ओके। तो इसलिए मैंने क्या किया, टेन इक्वल टू साइन बाय कोस और कोट इक्वल टू कोस बाय साइन को लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कोट है तो कोट किसके इक्वल होगा, कोट इक्वल टू कोस बाय साइन, ठीक है। तो यहाँ पर कोट इक्वल टू कोस बाय साइन अप्लाई कर दिया, होल स्केयर वैसे का वैसे ही रखेंगे। इसके बाद एलसीएम, एलसीएम हमारे पास साइन आ रहा है, साइन से साइन कैंसिल तो वन, माइनस साइन से साइन कैंसिल तो कोस आ जाएगा, वन माइनस कोस का होल स्केयर सेम लगा दिया, साइन का होल स्केयर है मतलब साइन स्केयर है सेम लगा दिया। इसके बाद साइन स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्केयर की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर इक्वल टू वन, ओके। तो साइन स्केयर इक्वल टू क्या हुआ, वन प्लस का कोस स्केयर इस साइड पे माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्केयर की वैल्यू बनी वन माइनस कोस स्केयर, ठीक है। तो साइन स्केयर वन माइनस कोस स्केयर, इसके बाद वन माइनस कोस का पावर टू है, वन माइनस कोस की पावर टू है तो मैंने इसे दो बार लिखा है, और यहाँ पर वन माइनस कोस स्केयर है तो वन का मैंने स्केयर कर दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। तो यहाँ पर ए क्या है, वन और बी कोस है, ठीक है। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर अप्लाई करेंगे तो वन प्लस कोस इंटू वन माइनस कोस बचेगा, वन माइनस कोस से वन माइनस कोस कैंसिल, तो हमारे पास बच गया वन माइनस कोस बाय वन प्लस कोस, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी राइट हैंड साइड ये रही, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 8.4 का सम नंबर 5th, उसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट्स के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट वीडियो, ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।